डेली मॉर्गेज सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, कपिल बोल रहे हैं। हाँ जी। तो अंडर 19 प्लेयर्स लोग को क्रिकेट सिखाते हो? बिल्कुल सर। और आप शायद चेस भी सिखाते हो बच्चों को? हाँ जी हाँ जी। घर पे ट्यूशन्स भी चलते हैं आपके? हाँ थोड़ा बहुत जी। और रिसेंटली आपने एक धनवर्षा यंत्र भी खरीदा है? बिल्कुल खरीदा है सर। लेकिन सर आपको कैसे पता? सर हमारे पास में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है क्योंकि हम लोग वो IT डिपार्टमेंट से है ना। IT सेक्टर 5 वाला? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स? इतना कुछ कर रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, क्रिकेट सिखा रहे हो, शतरंज खेलना सिखा रहे हो, ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आर्ट एंड ड्राइंग की क्लासेस करवा रहे हो? नहीं नहीं, ड्राइंग तो सर नहीं हो पाता सर। कमाई कहाँ है सर, थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है। और अभी देखिए धनवर्षा यंत्र जो आपने खरीदा है ना। जी जी जी। ये तो 45-60 लाख रुपए का आपका स्पेकुलेशन दिखा रहा है कि इतनी इनकम होगी, तो 8 लाख का एडवांस टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर 8 लाख रुपए तो सर मेरी कमाई भी नहीं होती। अब होगी ना, धनवर्षा यंत्र खरीदा ना आपने, 8 लाख रुपए जब होगी तो मैं जब दे दूंगा ना सर। आप ये एडवांस टैक्स देना पड़ेगा ना सर। आप फालतू आदमी है क्या जो मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं? आप एक Grade 2 के ऑफिसर को फालतू बोल रहे हैं? Grade 2 की बात नहीं है सर, लेकिन मेरे सर कमाई तो नहीं है ना बिल्कुल भी। आप समझे मेरी बात को? आप देखिए, अब वो 8 लाख रुपए तो आपसे टैक्स हमें वसूल नहीं है, कैसे भी करना है वसूल लेंगे हम। आपने जो करना है आप कर लीजिए, चाहे आप Grade 2 ऑफिसर हो चाहे Grade 1 ऑफिसर हो आप। हेलो सर, मैं ICICI बैंक से रोशनी बोल रही हूँ। बोलिए सर, आपको भी कोई लोन का रिक्वायरमेंट है ऐसा हमारे पास दिखा रहे, इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, मुझे तो कोई लोन का रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 लाख का ना इनकम टैक्स आपको जमा करना है ऐसा दिखा रहे हमारे यहाँ। तो बट आपका इधर दिखा तो रहा है सर। 8 लाख रुपए का लोन मैं एडवांस में क्यों लूंगा? 1.5 पैसे आपके पास, आपको इनकम टैक्स देना है ना। कमाई कहाँ से आगे, आपको कैसे दूंगा मैं 8 लाख रुपए? चुकाऊंगा कैसे आपके? आप नहीं चुकाओगे सर, हम वसूल लेंगे। हर बंदा वसूल लेगा। Grade 1-2 ऑफिसर कहता है वसूल लूंगा, तुम भी वसूल लोगे। एक मिनट, आप लड़की को गाली दे रहे हैं? लड़की कौन है सर? लड़की रोशनी जो बात कर रही है आपसे, गाली दे रहा है आप उनको? रोशन। अरे मैं हूँ सर, मैं अभी तो आपको बताया मेरा नाम रोशनी है। हम पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। ओके। आपके ऊपर में 8 लाख रुपए का इनकम टैक्स का पेमेंट आया हुआ जो आप कर नहीं रहे। सर, मैं गरीब आदमी हूँ सर, मेरे पास सर कोई... हमेशा गाली देता है, सिम कार्ड बेचने के लिए कॉल करती हूँ तब भी गाली देता है। सर मैंने मैं रोशन सर, याद करो परसों कॉल किया था, आप बोल रहे थे नहीं पोस्टपेड नहीं कराना तो। सर मुझे क्या याद करो, परसों शाम 4:30 बजे रोशनी, उसके पहले भी मैंने किया था, बोला था फ्लैट खरीद लो तो आपने बोला सर। ऐसे तो आप करते मेरे को गाली देते रहते सर। मैंने ऐसा नहीं करा था, मैं रोशन समझा था। टैक्स छोड़ दो, लोन ले लो आप मेरे से, फिर उसके बाद बेचारी गरीब औरत ने लोन ले रखा था, पेमेंट नहीं कर पा रही है, इसका लोन आप ले लीजिए। इसका लोन भी मैं ले कौन बोल रहे आप? पहले फोन कर रहे थे Grade 1, Grade 2 ऑफिसर वाले? हाँ जी हाँ जी, सही पहचाना सर आपने। तुम फोन रखो। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मुर्गा बनाया जा रहा है। मुर्गा बना दिया प्रवीण। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। अखिलेश जी। हाँ जी। अखिलेश जी, आप फेसबुक पर वीडियो शेयर किए थे ना, ठीक है ना वाला? ये लोग हम दोनों एक साथ आ गए हैं, ठीक है? और बिल्कुल किए थे ना भैया, तो ये वीडियो में जो लड़का था ना भैया, हम है वो। अच्छा। हाँ भैया, काम छोटा सा काम करे भैया, हमको 10 रुपए का रिचार्ज करा देंगे मेरा मोबाइल में भैया, बहुत जरूरी है भैया, खाली 10 रुपए का भैया, ठीक है भैया? अच्छा। हाँ, खाली 10 रुपए का भैया, और कुछ नहीं चाहिए भैया। हो जाएगा, परेशान ना हो भैया। मेरा नंबर आपका मोबाइल पे आ भी गया होगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल करा रहे हैं, एकदम उंगली मत करो, भी करा रहा। हाँ भैया, हम आपको फोन करते भैया, ठीक है? हेलो भैया, वो 10 रुपए का रिचार्ज कराया ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। लेकिन भैया, ये लड़की हमको फंसा के रखी, जैसा वीडियो में दिख रहा वैसा नहीं है भैया, ठीक है? क्या हो गया भैया? हमको यहाँ पे ना कैद करके रख लिया भैया, कमरा के अंदर में, हमको बाहर नहीं निकलने दे रहा भैया, ठीक है? कहाँ कैद कर दिया? ब्लू कलर का कमरा है, एस्बेस्टस का, यहाँ पर छत है, छत में एक तो होल है भैया, ठीक है? वीडियो तुम्हारा किया हुआ, तुम ऐसी बात कर रहे हो? अरे भैया, आप मजाक कर रहे हैं भैया, हम फंस गए भैया यहाँ पे, आपको बचाइए, ठीक है? तो कैसे बचाए? तो भैया बता दो रहे आपको, ब्लू कलर का कमरा,
एस्बेस्टस का छत है, ठीक है। रूम में एक तो कैलेंडर लगा हुआ माधुरी दीक्षित का, खाली वो ऊपर का मुंह दिखाई दे रहा है, ठीक है। ब्लू कलर का कमरा है माधुरी दीक्षित, तुम्हें बहुत रुआई तुम्हें आ रही है। तकिया में भी भैया छेद है, उसमें से रुआ निकल रहा है भैया, और रुआ भी एकदम गंदा क्वालिटी का है, ठीक है। अबे एड्रेस तो ठीक से बताओ ना, खाली ठीक है ठीक है, क्या ठीक है बे, तुम एड्रेस तुम्हारे बताओ, आसमान नीला माधुरी दीक्षित कमरे में, ये कोई एड्रेस है? सही ढंग का तो बताओ यार, तुम्हारी सकले एकदम तकलीफ वाली है। क्या बोले भैया, तुम ताले तुम लोग वीडियो में कुछ बोल पाए हो ना, तुम यहाँ बोल पा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो बे, तुम काटे कौन था तुम मारने के लिए? भैया 10 रुपए का रिचार्ज कराए थे ना अपना भैया। अरे 10 रुपया का रिचार्ज अपनी तो करा, वो तो खत्म होने वाला है, ठीक है, खत्म होने वाला है, हम 50 का करा दे, तुम बता रहे थे एड्रेस तो बताओ। क्या बताए, बवासीर का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अरे कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, यहाँ ठीक है। ना इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। तुम ताले नहीं बोलते, तुम्हारी जितना बोलती है वो कर रही है, तुम जितना नहीं बोलते उमर, तुम ताले इतने तुम्हें लेके गाली के लिए जो मन कर रही होता अगर बम सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का 93.5 रेड एफएम। Parthiv, I am calling you from consultancy. Okay. There is a job offer for you with a package of 5 lakh per month. Please tell me about it. Iski posting aapki Indonesia mein hogi. Indonesia, okay. So what would the work profile would be? Haan ji. Are you adventurous kind of a guy? Yeah. So I am sure that you will love this. Aapko maloom hai ki Indonesia mein bahut sare live volcano hain. Ji. Ji, to kaam bahut simple hai. Ye packaging ka kaam hai. Kya hai kya ye exactly? Aap thoda sa mujhe bataiye. Live volcano ke upar mein jana hai. Haan. Wahan pe garmi rehti hai, wahan pe papad sekna hai. Kya? Papad. Papad sekna hai volcano pe. Ji, sek karke वहाँ पे डब्बे में पैकिंग होगा, बस वो पैकिंग करके आपको नीचे फिकवा देना। अरे सुनो इधर दिमाग ठीक है, तुम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पापड़ सेकेंगे जा करके। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, फोन रखो समझे, ये सब करना किसी और के साथ जा करके। यार प्रकाश यार क्या कर रहे हो यार, मेरा सिस्टम गाली था, मैं नीचे गया था ब्रेक पे, तुमने यार क्या कर दिया। हेलो 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 हेलो, कौन है भैया ये? हाय सर, हाय सर, सर आई एम रियली सॉरी सर, माय नेम इज सौरभ सावंत एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी। अभी तो वो दूसरी कंपनी बता रहा था। सर मैं क्या बताऊँ सर, इसका टारगेट कंप्लीट हो गया, मैं नीचे ब्रेक पे गया था, ये बैठ के माइक पे मजे लेने लगा। अरे यार ये कौन सी तरीका है कि सर, आई एम रियली सॉरी सर। सर मेरा ऑफर सुनो सर, आई एम श्योर आप मेडिकल इंश्योरेंस में बिलीव करते हो। सर आपने कराया कुछ? हाँ है, मेरा लाइफ इंश्योरेंस है, तो क्या करना है सर? 2 मिनट का टाइम दे दो आप, प्लीज दे दो सर। अरे यार बताओ सर, बोलो। आपको देखो सर, ये 10 लाख का मिल रहा है। सर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं क्या? ओकेजनल पी लेते हैं, वैसे तो नहीं मिला, रेगुलर में नहीं है। ठीक है ठीक है, कभी कभार। तो सर आपका ये 4 लाख और ऐड हो गया, ये हो गया 10, 4, 14 हो गया सर। ड्रग्स शराब फालतू बकवास कर रहे हो यार। सर आप मेरी बात तो सुनो सर, आप ड्रग्स या शराब अगर नहीं लेते सर, सबसे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो उस पे आने दो आप मेरे को। इसका जो EMI है वो कुछ भी नहीं है सर, फ्री है। ये कौन सा इंश्योरेंस होता है? हमने तो आज तक कभी। अब देखो सर, 85 मल्टी नेशनल हॉस्पिटल्स के साथ टाइप है हमारा। अच्छा, ये एक्चुअली इसलिए दे रहे हैं, अगर आप पापड़ सेकते समय विदेश में कहीं जलवल गए तो। अरे पापड़ सेकोगे, पापड़ सेकोगे सर, इसलिए तो हमने मल्टी नेशनल के साथ टाइप किया सर, बात तो समझो आप। अरे ऑफिस में काम करने में तुम लोग क्या मजा करते। हेलो, अरे रखो यार। सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, माई नेम इज पराशर, आई एम दी ओनर ऑफ दिस कंपनी। ये साला बात करने का तरीका उनको। नो, आई अपोलोजाइज। कह रहे हैं कि आप पापड़ फेंको जा करके। दीज आर ऑल एब्सर्ड। यस देयर इज अ जॉब वैकेंसी बट नॉट व्हाट यू हैव हर्ड टिल नाउ। ओके सर, आपको वोल्केनो पर जाकर के डिस्को पापड़ सेकना है। अरे एक एक निकालना है पैकेट से, ऐसे गर्मी दिखानी है और वापस डब्बे में डाल देना है। सुनो, ऐसा करते हैं कि तुम नीलाम कर देते हैं, वहीं पे जो लौंडे होंगे उनसे तुम पैक करवाना, खुलवाना, पैक करवाना, खुलवाना, भंडारा कटवा देना। सुबह सुबह लाल कर दी यार। तो सर आप उसी में डिस्को पापड़ सेक लीजिए। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का।
डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। से बोल रहे थे जी, बताइए हाउ कैन आई। आपने जहाज का इस्तेमाल करा है, एरोप्लेन मोड डाला है, डिड यू गाइस टेक एनी परमिशन? सर एक्चुअली वो सब फीचर्स होते हैं, लाइक बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं जो आपकी। हाँ तो इतने सारे फीचर्स और फंक्शंस हैं अगर एरोप्लेन मोड के, तो डोंट यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस टू टेक परमिशन? मैं अपने हायर अथॉरिटी से आपको इस बारे में बात करा सकता हूँ, बस आप लोग यही करते हैं हायर अथॉरिटी से बात कर। आई नीड एन एक्सप्लेनेशन राइट नाउ। इतने छोटे से फोन में आपने एरोप्लेन मोड डाल दिया, हाउ इरेस्पॉन्सिबल? सर ये बात इनरिस्पॉन्सिबल की नहीं है, एक्चुअली जितने भी फीचर्स या फंक्शंस होते हैं वो आप लोगों के लिए बने ताकि आप लोग उसको इस्तेमाल अच्छे से कर सकें। नहीं हमारे पास में इस्तेमाल के लिए, हमारा अपना पूरा एयरपोर्ट है, वी आर नॉट गोना सपोर्ट दिस एरोप्लेन मोड। अगर आपको करना है तो फिर आप आम आदमी के लिए बाइसाइकिल मोड, ऑटो मोड, बस मोड, टैक्सी मोड, ये सारी कीजिए। व्हाई एरोप्लेन मोड? एरोप्लेन मोड उसका एक्चुअली नाम दिया गया, वो एरोप्लेन मोड इसलिए होता है बिकॉज़ आई वांट टू स्पीक टू योर मैनेजर। सर मैं उनसे बात करा दूंगा, अभी वो है नहीं इस वक्त, बट मैं आपसे। नहीं मुझे नहीं सुनना। नहीं सर एक्चुअली नहीं मुझे नहीं सुनना, मैंने बोला ना आपको नहीं सुनना, आपको मालूम आप किन से बात कर रहे हैं? यू आर टॉकिंग टू एप से। सर माफी चाहूंगा, लेकिन माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी, लेकिन आप फोन रख दीजिए अभी। सर 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 प्लीज मेरी एक बात तो सुन लीजिए सर। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? द होल नेशन वॉन्ट्स टू नो फ्रॉम यू, हाउ हैव यू गाइज मैनेज टू फिट इन अ एरोप्लेन इन अ मोबाइल फोन? अगर आपने एरोप्लेन मोड दिया तो वेयर आर द एयर होस्टेस? सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। जेंटलमैन, साफ सुथरा बोलेंगे? एयर होस्टेस किधर है? प्लीज एयरप्लेन समझ में। आई हैव गॉट ऑल द प्रूफ्स फ्रॉम द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू हैव यूज्ड एरोप्लेन मोड विदाउट परमिशन, हाउ कैन यू डू दैट? सर आप कौन बोल रहे हैं? सर दिस इज शर्मा, 17,800 ट्वीट्स टिल नाउ, द होल नेशन इज बर्निंग, ऊपर से ऑक्सीजन मास्क आएगा लगा के सूंघने का, हु इज गोना डू दैट? सर ये मास्क और सूंघने की जरूरत ही नहीं सर, ये व्हाई हैव यू गिवन एरोप्लेन मोड इन अ मोबाइल फोन? स्पीक अप सर, स्पीक अप मोड, आई एम सेइंग टॉक, द होल नेशन इज वेटिंग, टॉक। सर लेकिन आप मुझे बोलने देंगे तब तो मैं बताऊंगा ना। 18,900 ट्वीट्स टिल नाउ, टॉक। सर मतलब न्यूज चैनल पे चल रहा है सारा, दिस इज गोइंग लाइव, द होल नेशन इज हियरिंग योर वॉइस राइट नाउ, 21,000 ट्वीट्स टिल नाउ, द नेशन इज बर्निंग। एरोप्लेन मोड जो है वो एरोप्लेन मोड, एरोप्लेन अलग होगी सर, एरोप्लेन मोड अलग हो गया। फाइव एरोप्लेन मोबाइल, अभी तक जो आपने बोला एरोप्लेन एरोप्लेन, फाइव एरोप्लेन, हु इज गोना मेक दैट अनाउंसमेंट? इमरजेंसी के दौरान आगे दो द्वार, पीछे दो द्वार, वेयर आर दी एयर होस्टेस? एरोप्लेन मोड अलग होता है, एरोप्लेन अलग होता है, एयर होस्टेस अलग होता है, यार मतलब क्या ये बात आप कहाँ की बात करें? नो देयर इज नो वन टू ग्रीट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आल्सो। सर मैं क्या बोलूँ सर, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा सर, आप बोल कौन रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। मैं प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, और हम लोग मजाक कर रहे थे, मुर्गा बना रहे। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। जी वैभव जी से बात हो रही है? जी बोलिए। बाजार से बोल रहे थे, आपने लास्ट ईयर हमारे यहाँ से दुर्गा पूजा की शॉपिंग करी थी? जी करी थी। आपने लास्ट ईयर हमारे यहाँ से एक बाइक जीती थी राइट सर? यस यस। इस बार की शॉपिंग आपकी हो गई है या बाकी है अभी? नहीं मेरी इस बार की बाकी है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके यहाँ ही करूंगा, बिकॉज़ अच्छा इट वाज वेरी लकी सर, दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सर। आप कब आने का सोच रहे हैं सर? हाँ हफ्ते भर में तो आ जाऊंगा, मतलब कोई एक ऐसा दिन है जब आपके चांसेस थोड़े ज्यादा आने के? सर सैटरडे इवनिंग 6 बजे के बाद चले। सैटरडे इवनिंग 6 बजे ना? लिख रहे सैटरडे इवनिंग 6 बजे, शनिवार शाम 6 बजे सर लिख लिया, ठीक है? फोटो है सर। आदमी एंटर नहीं करना चाहे हमारे प्रेमिसेस no में, एंट्री है सर। हाँ। बाहर भी अगर भटकता हुआ दिखाई दे तो उसको वहां धक्के मार के निकाल देने का। बिल्कुल सर। ये क्या हो रहा है भाई, मैं क्यों नहीं आऊंगा? आप लास्ट ईयर आए थे, आपने 115 रुपए की एक गंजी खरीदी थी, 115 रुपए की गंजी खरीदी और आप 45,000 की बाइक हमसे जीत करके ले गए। कमाल बात कर रहे हो, फेयर जैसे खरीदू उससे क्या फर्क होता है? आपने आपने खुद से स्कीम लगाई होगी तो आपको खुद सोचना चाहिए ये चीज, आप कैसे नहीं आने देंगे? मैं देखता हूँ कैसे नहीं। आपको भी बाइक मिल रही थी
तो आपको भी सोचना चाहिए था ना, 115 रुपए की गंजी खरीद करके 45,000 की बाइक जीत करके ले गया। 115 की गंजी खरीदू, 15,000 की गंजी करूँ, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या? आई एम रिकॉर्डिंग दिस राइट नाउ बाय द वे। वेरी नाइस। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं। बोलिए। आपकी जो बाइक है, हाँ, चोरी की है। कैसे हो सकता है, मैंने तो लकी ड्रॉ में जीती थी। 2 साल पहले चोरी हुई है, अभी आप थाने आइए या आपको उठाया जाएगा घर से। भैया ये तो मैं शॉप में गया था, वहाँ से शॉपिंग की थी, मुझे लकी ड्रॉ में मिली थी। कोई प्रूफ है कि आपको लकी ड्रॉ में मिली? मैंने गंजी खरीदी थी, उसका बिल है जिसके ऊपर स्कैन करने से मुझे ये लकी ड्रॉ में मेरा इनाम लगा। आप बहुत बड़े वाले हैं या पुलिस को समझ रहे हैं बहुत बड़ा वाला? सर जी जो सच है वो। आपने गंजी खरीदी, कितने की गंजी थी? 115 रुपए की। कहाँ से खरीदी आपने? सर मैंने बताया था आपको 15 रुपए की गंजी में बाइक मिली। मैंने 6,500 की शॉपिंग करी, हमको कुछ नहीं मिला, 115 रुपए में तुमको बाइक मिल गया। मुझे तो जैसे मिला मैं तो वही बोलूंगा ना। अभी देखो 20,000 रुपए लगेगा केस सल्टाने का। 20,000? सर क्या बात कर रहे हो, फ्री की बाइक के ऊपर मैं कहां से 20,000? सर देखिए अगर 20,000 आपके पास नहीं है तो आप हमको राइटिंग में दीजिए कि आप उस दुकान में जाके शॉपिंग नहीं करेंगे। क्या? उस दुकान में जाके शॉपिंग नहीं करेंगे, राइटिंग में दीजिए हमको। आप कौन से पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं? हमको नहीं चाहिए कि आप फिर से उस दुकान में जाएं, 115 रुपए का गंजी और रुमाल खरीदे। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, समझ रखा है मेरे को? आप राइटिंग में दे दो कि आप उधर जाओगे नहीं, ठीक है? इतना ही चाहिए। कौन है, कौन तू भाई? मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5। अपने ऑफिस के सामने गाली गलौज करवा दे, आपको पता भी है 115 रुपए के बदले में 45,000 की बाइक। अरे अरे, सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। 5 रेड एफएम पे प्रवीण का दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहा है? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं? तुम खुद देखते हो मेरी बीवी को, तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद करते हो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को ताड़ते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो? और तो और, झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना? अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ, पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के साथ। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके का हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम? क्या झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना वैसे झूला? झूला है तुमको? हाँ? इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए, पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है माइक? अरे सर हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो तुम लोग सबसे घर के सामने झूला। हेलो हेलो दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए, ठीक है? थोड़ा बहुत तो लगी गया था डर यार। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 3093593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। गाड़ी की शोरूम है ना ये? हाँ गाड़ी का शोरूम है, बोलिए। एक गाड़ी खरीदनी थी। कहाँ से फोन कर रहे हैं सर? साइंस सिटी के पास से। आपका बजट क्या है सर, तो मैं थोड़ा आपको गाइड कर सकता हूँ। देखिए आपके पास की सबसे महंगी गाड़ी कौन सी है? देखिए गाड़ी तो बहुत सारे मॉडल के हैं, परंतु आप कंपनी चूज कीजिए पहले। देखिए हमें कौन से मॉडल लेने हैं आपको?
50। उसका स्पेसिफिकेशन मालूम है क्या? वो तो सब मालूम है, हमने देख लिया था ऑनलाइन। ओके ओके ओके। प्राइस हमने देखा था 60 लाख के करीबन है। 60 लाख है, परंतु उसके साथ अभी जीएसटी भी जुड़ जाएगा, तो इट विल बी नियर अबाउट 50 लाख। मतलब जीएसटी जुड़ेगा ना, और तो कुछ नहीं? देखिए, आप अगर बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेंगे तो वो भी थोड़ा ऐड होगा। शोरूम में आ जाइए तो मैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन दे दूंगा। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होगा। देखिए, उतना हम लोग के पास में टाइम है, बहुत अमीर आदमी है ना हम लोग। डेफिनेटली सर, इतना टाइम है हमारे पास में कि शोरूम में आएंगे। आप गाड़ी पैक करवा दीजिए। गाड़ी पैक करवा दूं मतलब आप गाड़ी डन करवा दीजिए। थोड़ा पेपर लगेगा ना भाई आपका, तो टाइम चलेगा? कहाँ से बोल रहे हो भाई? बड़े आदमी, थोड़ा मजाक वजाक करते हैं हम लोग, ठीक है? पैसा बहुत हमारे पास में। ओके ओके सर, ओके, ठीक है। आप हम क्यों आए? आप लेकर के आइए गाड़ी हमारे पास। भाई मैं एग्जीक्यूटिव सेंड कर दूंगा आपके पास। थोड़ा आपका जो पेपर है, पैन कार्ड वगैरह है, सब ले लेगा वो। एक चेक दे दीजिएगा, पोस्ट डेटेड चेक देंगे, चलेगा? तो चलेगा, परंतु 2021 का होगा पोस्ट डेटेड चेक। नहीं, ऐसा तो नहीं होता सर। नॉर्म, आपने बोला देर इज अ स्टॉर्म, तो कौन सा स्टॉर्म आ रहा है? मैंने स्टॉर्म नहीं बोला सर, मैंने बोला कि देर इज अ नॉर्म, यानी कि नियम है कि आपको 50% पेमेंट पहले। लेकिन नियम कानून तो हमको सिखाओ मत, ठीक है? हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई की 5 बीवियां हैं, और हम 5ों के 2-2 बच्चे हैं। तो वो सब मुझे नहीं जानना है सर। आप तो 10-10, 20 आदमी हुए हम लोग परिवार में, और 20 आदमी का अकाउंट है। अब वादा किया गया था कि हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे, तो हम लोग 20 आदमी का अकाउंट में 15-15 लाख 3 करोड़ रुपए आने वाले हैं। प्लस ब्याज पकड़ लीजिए उसका 1.5 करोड़ और हो गया होगा, 4.5 करोड़ हमारे पास में। तो गाड़ी तो हम लोग 3-4 ले लेंगे आपसे। जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा बेटा, तब फोन करना। अभी तक नहीं आया ना? आ जाएगा, ऐसा बोला है। तो आप गाड़ी दे दीजिए ना, क्या है इसमें? नहीं नहीं नहीं, वैसे तो हम गाड़ी नहीं दे सकते भाई। तुम्हारा नॉर्म है तो हमारा भी नॉर्म है कि नहीं? जब पैसा आ जाएगा ना अकाउंट में 20 लोगों का, तब फोन करना बेटा। हम लोग बहुत अमीर आदमी, आपको मालूम नहीं है कितना अमीर है? मैं समझ गया हूँ। बनाओ, फोन रखो और अपना काम में। तुम्हारे अकाउंट में पैसा आए तो कोई गाड़ी ट्रैक नहीं होता बेटा। सुनो, 3 पैक नहीं हुआ। तुम सुनो, एक मिनट फोन रख। 3 पैक नहीं हुआ तो फैमिली पैक करवा दीजिए। बेटा फोन रख, फोन रख। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 6793593 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड FM बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। हेलो, नमस्कार सर, हम आपके बैंक से बात कर रहे थे। हाँ जी, बोलिए। सर, इस महीने की आपकी जो सैलरी है सर, वो 10 तारीख को क्रेडिट होगी, क्योंकि बैंक के कुछ स्टाफ है जिनकी सैलरी अभी तक क्रेडिट नहीं हो पाई। तो हमारे जो ग्रेड डी के स्टाफ हैं विप्लव दा, आपकी 27,000 की सैलरी हमने उनको क्रेडिट कर दी है सर, इसलिए आपकी सैलरी में थोड़ी सी दुविधा होगी। वो 10 तारीख तक आपको क्रेडिट होगी सर। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी पे उसके बीच हमारे बैंक के पास में थोड़े पैसों की कमी थी, तो जब पैसे हमने देखे आपके अकाउंट में आ रहे थे तो उसको बीच में रोक करके हमने विप्लव का पेमेंट करवा दिया सर। विदाउट कस्टमर्स कंसेंट आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? सर वो हमें करना पड़ा सर, क्योंकि मजबूरी सर, वो ग्रेड डी का स्टाफ है सर, वो हमारे 38,000 रुपए सैलरी है सर। लेट मी टॉक योर हेड प्लीज। सर पैसे तो आपके 10 तारीख को ही क्रेडिट होंगे सर। आई वांट माय मनी बैक। ऐसा नहीं सर, आप बैंक वाले से बात कर रहे हो ना, से नहीं बात कर रहे हो कि मनी बैक आपको चाहिए, ठीक है सर? अरे आप कैसे मतलब सर, लिखे से बात कीजिए। आई एम ट्रांसफरिंग द कॉल टू द सीनियर सर, प्लीज हैव अ वर्ड विद आवर सीनियर। ओके सर, डू इट राइट नाउ। हेलो, आप मुझे एक बात बताएं, आपका सेशन वहाँ पे जो भी कोई था वहाँ पे, उसने मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर दिए अकाउंट, हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ बेबी, हाँ या बेबी, हेलो, हाँ बेबी, हेलो। अरे नहीं बेबी, सर एक मिनट रुकिएगा सर, मेरी वाइफ का फोन है। हाँ बेबी, हाँ वो मैंने ऑर्डर करवा दिया था ना बेबी। हाँ हेलो, वो सोने का हार जो तुमने देखा था बेबी, आई विल गेट दैट। बेबी एक मिनट रुकना, बेबी एक मिनट रुकना, चिल्ला रहा है। कहाँ पर है तू? हेलो सर, तमीज से बात कीजिए। तमीज से आप बात करो, मेरे वहाँ पे तुमने मेरे अकाउंट से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ, वो कुरियर, वो एक मिनट सर, कुरियर वाला मैन, हेलो, कुरियर वाला आया सर, एक मिनट रुकिएगा, बंद मिलेगा वो, डिलीवरी ले लेना, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी, आप दे दो थोड़ा सा पैसा। हेलो सर, आपके पास में कुछ पैसे हैं क्या सर? हेलो, हेलो, कुछ खुले पैसे हैं क्या सर आपके पास में? एक यहाँ पे कस्टमर फोन रखा हुआ है, एक हेलो किसी ने मेरे अकाउंट से। सर एक मिनट सर, से खाना है सर, मेरा लेकर के आया मैं। मेरी बात सुनो तुम लोग, तुम्हारी तुमने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल कैसे लिया साले? बैंक एक एक एम्प्लॉय को मैं बैंक की माँ बहने कर दूंगा साले, मेरे अकाउंट से। हाँ वो ब्लाउज भाभी जी का अच्छे से सिलना, ठीक है? हाँ हेलो जी, बोलिए सर। सर हाँ बताइए, फॉर पीपल।
आई लॉन्च अ कंप्लेन इन योर बैंक। सर ये लेके आठवीं बार आप कर चुके हैं कंप्लेन। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। ये सी दिस इज नॉट द वे यू नो आप डू इट। सुबह के 9:35 बजते ही प्रवीण किसी का मुर्गा बनाता है। कॉल करो 67935935 पे और दे दो ऑर्डर मुर्गा बनाने का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। डेली मुर्गा सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो। सर आपका टिश्यू पेपर वगैरह बनाने का काम है? हाँ जी हाँ जी। सर आप उस पे मतलब अगर पर्सनलाइज्ड कुछ मैसेज लिखवाने तो वो भी करवा देते क्या आप? हाँ वो भी जाएगा। तो ऐसा कि हमारे भतीजे की शादी है तो हम उसमें लिखवाना हाँ। चाहते हैं। आप पेपर पेन ले लीजिए ना सर एक बार जरा सर। हाँ बताइए। हाँ तो लिखना है सर रोमित, ROMIT रोमित, रोमित BEDS बेट्स, बेट्स श्रेया। क्या बोला? रोमित वेड्स होता है भैया, गलत बोल रहे हो। वेड का कुछ और मतलब निकल जाएगा। वेड नहीं नहीं हमें मालूम है, वो तो होता तो वेड ही है लेकिन ये भी होता है ना। तो अरे तो इसका तो कुछ और मतलब हो गया सर। वर्ड प्ले मतलब है कि मतलब बिस्तर पे दोनों क्या हुआ? वर्ड प्ले जस्ट बीइंग अ लिटिल फनी। चलो भैया आप क्या कहते हैं, आप उस पे ध्यान दो ना। हाँ तो उसके बाद में लिखना आपको परिणय स्थल। परिणय स्थल जी, परिणय स्थल। हाँ वो लिखना है कि पार्क सर्कस से आगे आकर के तीसरी गली में वैले पार्किंग वाले को गाड़ी की चाबी देकर अंदर आएं। अरे भाई साहब क्या क्या लिखवा रहे हो ये? इसमें आदमी फिर मुंह क्या पूछेगा उसे? इतना सारा तो भरी दिया आपने, कहाँ चाबी? इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना सर। नहीं इन्फॉर्मेशन तो आपकी ठीक है पर इतना देखा, हम आपको काम दे रहे सर, अगर आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो मत करें सर। नहीं नहीं देखो ऐसी बात नहीं, काम तो करना ही। मैं आपको इतना बता रहा हूँ जितना आप लिखवाएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। हाँ सर ठीक है, पैसों का प्रॉब्लम नहीं है सर हमारे पास में। ठीक है आप तो उसके बाद में विनीत होते हैं ना, वो बच्चों के नाम होते हैं विनीत। हाँ हाँ तो विनीत में आप नाम लिख लीजिए सर। पहला नाम सोमू। सोमू हाँ। अच्छा लता। लता पिंकी। अरे कितने हैं भाई? लिखवा रहा हूँ सर, लिखिए ना। पॉपिंस। पॉपिंस हाँ, मतलब रंग बिरंगे नाम है हमारे फैमिली में। पॉपिंस। अच्छा पॉपिंस। शिल्पा। शिल्पा। अनुज। अनुज। गुड़िया। गुड़िया। चिंटू। चिंटू। हैप्पी। अरे भैया क्या यार आप। गोलू। हैप्पी। देखिए हमारे यहाँ वो जो बताया था ना रोमित बेट्स श्रेया, ये हमारा थोड़ा ज्यादा होता है फैमिली में तो लग रहा है ज्यादा ही होता है। चलिए खैर और भी हैं बच्चे आपके यहाँ? इतने ही हैं? नहीं बस इतने ही हैं। 300 पीस करवा दीजिएगा। 300 पीस में कहाँ होगा सर, नैपकिन तो बहुत ज्यादा लग जाते हैं। नहीं नहीं ये तो हम सर शादी का कार्ड छपवा रहे हैं सर आपसे। है क्या शादी का कार्ड छपवा रहे सर आपसे? शादी का कार्ड छपा नैपकिन पे? भाई कैसी बात? कुछ नया करने का था हमारा इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा सर। नैपकिन पे कार्ड छपवा रहे हो? सर लास्ट की एक लाइन और लिखनी है सर। हाँ। मेले अंकल की थाली में जरूर जरूर आना। हाँ। नहीं शशि थरूर आना आना। शशि थरूर आना आना। शशि थरूर को भी बुला रहे हो भैया? अरे नहीं भैया बच्चे थोड़े से तोतला बोलते है ना तो वो अजी नहीं बोल पाते, उसको सची सची बोलते है वो लोग, और थरूर इज जरूर। ये तो भैया आपको अब लग रहा है मतलब मैं थोड़ा सही समझ रहा हूँ, मुझे लेना हमको ऐसा लग रहा है। हेलो प्रवीण बोल रहा हूँ भाई रेड एफएम 93.5 से। प्रवीण अरे भाई तू क्या कुछ हो गया, सुबह सुबह कॉन्टैक्ट मिल गया इतना बढ़िया, प्रिंटिंग अलग से पैसे लेते हैं, आपकी शादी में नैपकिन मेरे यहाँ से आएंगे भाई? हम आपका मुर्गा बना रहे ना, आप हमारा बनवाना चाहते हैं? सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। और बगल में आंटी नहीं पर घंटी है, बजा दो।